Hi there, my name is Samia and I am a biology teacher. So today I will teach you biology. So this topic pe hum aaj baat karne ja rahe hain wo hai introduction to biology. So chale hum fir start karte hain. सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज बायोलॉजी. हमने जानना है कि बायोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं. ये साइंस की और भी बहुत सी फील्ड है, जैसे केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी. तो बायोलॉजी अगर एक फील्ड है तो इसके इसमें हम कोई स्पेसिफिक चीज ही पढ़ते होंगे ना. तो हमने इसमें ये देखना है कि बायोलॉजी में हम कौन सी चीज को स्टडी करते हैं, ठीक है, और इस ब्रांच का पर्पस क्या है. बेसिकली बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड. बायोलॉजी एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है एंड इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. और बायोलॉजी दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से जो सबसे पहले वाला वर्ड है उसको हम बायोस भी कह सकते हैं और बायो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लाइफ. लाइफ का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म. और लॉजिस जो होता है उसका मतलब होता है रीजनिंग. और रीजनिंग से आप इसका सेकेंड मीनिंग वो ये कह सकते हैं स्टडी. तो बायोलॉजी में हमने क्या करना होता है, बायोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है. सो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बायोलॉजी में हमने क्या करना होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शन को पढ़ना होता है. हमें देखना होता है कि उनकी उनकी बनावट कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बॉडी फंक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं. तो ये सारी डिटेल हमने बायोलॉजी में पढ़नी होती है. आगे जो हमारे पास आ रहा था वो है कि बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया. तो बेसिकली बायोलॉजी को तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया. और जो सबसे पहले वाली है वो है जूलॉजी, और उसके बाद आती है बॉटनी, और उसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी. तो जूलॉजी क्या है, इस फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं. जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने क्या करना होता है, एनिमल्स को डिटेल में स्टडी करना होता है. एनिमल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है, उनके डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करना होता है. हमने देखना है कि एनिमल की बॉडी किस तरह की है और वो किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है. ये सब चीजें एनिमल्स के रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो हमने इस फील्ड में पढ़नी होती है. अब इसकी जो एग्जाम्पल्स है, देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ zoology. The first one is vertebrate zoology and the second one is invertebrate zoology. जो vertebrate zoology होती है वो उसमें उस category के animals आते हैं जिनकी जो backbone होती है वो present होती है, जिनमें backbone होती है. और जिनमें backbone नहीं होती वो invertebrate zoology में आते हैं. वो animals जिनमें backbone होती है वो vertebrate zoology में आएंगे, और जिनमें backbone नहीं होती वो invertebrate zoology में आते हैं. Next one हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट जो डिवीजन है, जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है हमारे पास बॉटनी. तो बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने प्लांट्स को स्टडी करना होता है. इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में. जैसे कि हमारे बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट फंक्शंस हमारे अंदर चल रहे होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं. जैसे कि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है. तो ये सब जितने भी प्लांट से रिलेटेड डिटेल होती है वो बॉटनी की फील्ड में आ जाती है. तो हमने बॉटनी में प्लांट की कंप्लीट स्टडी करनी होती है. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट एनाटॉमी. प्लांट जेनेटिक्स में हमने, जेनेटिक्स का मतलब होता है विरासत. सो इसमें हमने जीन्स को स्टडी करना होता है, प्लांट की जीन्स को स्टडी करना होता है कि प्लांट्स में जेनेटिक्स विरासत का क्या हिसाब किताब है. इसमें हमने ये जो चीजें हैं वो स्टडी करनी होती है. इसके बाद आ गया प्लांट एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर. हमने प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है प्लांट एनाटॉमी में. जो नेक्स्ट फील्ड है वो है माइक्रोबायोलॉजी. सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इज अ ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन आई से हमें नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए या तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. माइक्रोस्कोप भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी, ठीक, इनका साइज इतना कम होता है कि ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई से हमें नजर नहीं आते. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहा था बैक्टीरिया. तो तमाम वो ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मल ह्यूमन आई से नजर नहीं आ सकते वो इस फील्ड में हम
स्टडी करते हैं। अब इस माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर आगे सब डिवाइड किया गया, तो इसको भी हम स्टडी करेंगे, इसकी आगे सब ब्रांचेस क्या क्या हैं। जो सबसे पहले वाली है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। ये देखें, ये मेंशन है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म को, उनकी बनावट को, उनकी स्ट्रक्चर को, उनकी साख को दिखाना होता है। अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की हो सकती है, एक तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी हो सकती है और एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। और जो एक्सटर्नल वाली होती है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसमें हमने किसी भी चीज के, मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, उसकी बैरूनी जो साख्त है, उसकी बैरूनी बनावट है, उसको हमने उसमें स्टडी करना होता है। और जो अगली सब ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज इंटरनल। एनाटॉमी में बात करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, इंटरनल मतलब बैरूनी नहीं, अंदरूनी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में जो बेसिक चीज है वो यही है इंटरनल स्ट्रक्चर की। इसको आपने माइंड में रखें, फिर अभी एनाटॉमी का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमने इसमें स्टडी करना। जो नेक्स्ट है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसमें हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके टिश्यूज को स्टडी करना होता है। मतलब जैसे एक जिंदगी का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सेल है, जब सेल मिलते हैं तो फिर टिश्यूज बनते हैं। अब टिश्यूज के डिफरेंट टाइप हो गए, जैसे ये कार्डिक टिश्यूज हो गए, ये हमारे दिल में पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज हो गए, एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, इनको हमने अगर स्टडी करना है तो ये हिस्टोलॉजी में स्टडी होते हैं। इसके बाद आ गया सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनाइज। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने सेल के फंक्शन को, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल जो है बुनियादी इकाई है जिंदगी की, इसमें हमने सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को स्टडी करना होता है और सेल ऑर्गेनाइज को भी स्टडी करना होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, एक ऑर्गेनाइली है, ठीक है, इसको मतलब इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइलीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हमने इसमें सेल बायोलॉजी में स्टडी करना होता है। इसके अलावा हमने डिवीजन के प्रोसेस को भी इसमें स्टडी करना होता है, जैसे कि ग्रोथ के टाइम हमारे बॉडी सेल डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके हो, जैसे डिवीजन हमारे पास बेसिकली दो प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं, एक मियोसिस एंड माइटोसिस। इनकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना याद रखें कि इस सेल बायोलॉजी में हमने सेल के स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शंस को स्टडी करना होता है, इसके साथ साथ हमने सेल डिवीजन को भी स्टडी करना होता है। इससे जो नेक्स्ट वाली हमारे पास सब ब्रांच आ गई वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी चीज के फंक्शंस को, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं हमने उसको स्टडी करना है इसमें फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स जो है वो विरासत की बुनियादी इकाइयां होती है, तो हमने पढ़ा है ना कि हमारी जो जीन्स है वो हमारी विरासत की इकाइयां होती है, हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होती है, तो जेनेटिक्स में हमने ये सब स्टडी करना होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि वो करैक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब कि करैक्टर्स की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन, उनका ट्रांसफर होना, मतलब कि पेरेंट्स से कुछ स्पेसिफिक करैक्टर्स का अपने बच्चों में ट्रांसफर हो जाना, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इंटू इंडिविजुअल, मतलब कि अभी एम्ब्रियोलॉजी में हमने स्टडी करना था, हमने ये पढ़ा है कि जब दो गेमेट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है, फिर एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरा। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने एक एम्ब्रियो की जो स्टडी है उसको डिटेल से देखना होता है। इसके बाद आगे टैक्सोनॉमी।
study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. अब अगर हम देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो अब हम सबको एक ही जगह मतलब उनकी पहचान के लिए फिर साइंसदानों ने ये किया कि उन्होंने उनको नाम देना शुरू कर दिया, जो जिनकी खसूसियात आपस में मैच करती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, एक क्लास में रख दिया, दूसरों वाले को दूसरी क्लास में रख दिया। तो इस तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं ग्रुप्स में या सब ग्रुप में, तो ये किस में आएगा? टैक्सोनॉमी में ये कंसीडर होएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो डायनासोर्स हैं वो मतलब हुआ करते थे, तो फिर क्या हुआ कि एवोल्यूशन हुई और जिसकी वजह से वो जमीन वो मर गए तो वो जमीन के नीचे दब गए, तो दबने के बाद उनका स्केल्टन है वो मतलब उनकी बॉडी डिकम्पोज हुई है और वो डांचों में अभी भी हम जब भी जमीन खोदते हैं तो उनके डांचे से हमें नजर आते हैं, और वो जो चीजें होती हैं उनको कहते हैं फॉसिल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स जो होते हैं, उसके मर जाने के बाद गल सड़ जाने के बाद जो चीजें रह जाती हैं उसको फॉसिल्स कहते हैं। तो पैलियंटोलॉजी में हमने किसी भी हमने फॉसिल्स की डिटेल स्टडी करनी होती। इसके बाद आ गया एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एनवायरमेंट का जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। हम रह रहे हैं तो हमारे रहने के लिए एक एनवायरमेंट जो है वो जरूरी है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने जो एक मतलब कि मेरा और मेरे माहौल के दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हमने एनवायरमेंट को स्टडी करना है, वो वाला एनवायरमेंट जिनसे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं। इसके बाद आ गया सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। इसमें हमने देखना होता है कि हमने एनिमल्स के सोशल बिहेवियर पर देखना, उनके जो सामाजिक बिहेवियर है ना उसको हमने स्टडी करना होता है कि वो किस तरह से रह रहे हैं और उनका उठना बैठना कैसा है, वो किस तरह से शिकार कर रहे हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, ये सब चीजें जो डिटेल है वो हमने सोशो बायोलॉजी में स्टडी करनी होती। इसके बाद आ गया पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, और पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और बदले में या तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, समटाइम्स नहीं भी पहुंचाते। तो पैरासाइट्स की भी आगे डिटेल में जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम अभी उसको नहीं स्टडी करेंगे, अभी हम इतना ही रखेंगे कि पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इंसानियत का फायदा हो, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, डिफरेंट डिसीजेस के अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसी चीजें बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से जिनसे इंसानियत को फायदा होता है। द नेक्स्ट वन इज अम्यूनोलॉजी, अम्यूनोलॉजी इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, वी डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इसमें हमने किसी भी एनिमल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अम्यून मतलब के दफा के सिस्टम को पढ़ना होता है, ठीक है, जो हमें डिफरेंट डिसीजेस से बचाता है। तो अम्यूनोलॉजी में हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनिमल के अम्यून सिस्टम को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात की स्टडी है जिसमें, तो ये तो सिंपल है। इसके बाद आ गया फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तब में हमने क्या करना होता है कि डिफरेंट ड्रग्स को स्टडी करना होता है और फिर हमने देखना है कि अगर हम इसको ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं।